चुनावों की हर तरफ चर्चा, क्या कहता है नेता का पर्चा, किसकी होगी हार, किसकी लगेगी लंका, किसका बजेगा जीत का डंका, पब्लिक ही करेगी गम सारे दूर। आइए देखिए माहौल क्या है सिर्फ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। राजस्थान में 2023 चुनाव विधानसभा आने वाले हैं, उसी को लेकर राजनेताओं में और चुनावी गलियारों में सुगुघाट चालू हो गई है कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या कोई अन्य दल, उसी को जानने के लिए आज हम निकल चुके हैं अलवर जिले के सभी विधानसभाओं में क्या है माहौल आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। आइए चलते। ट्वेंटी फोर टीवी नेटवर्क राजस्थान लगातार में गांव गांव ढाणी ढाणी लोगों के बीच में जा रहा हूं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा। और आज मैं किशनगढ़ विधानसभा के दयालपुर गांव में हूं। आप देख रहे हैं कितने लोग मेरे साथ बैठे हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या रहेगा आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। तो हमारे साथ है, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक मोहम्मद है। तो क्या रहेगा इस बार 2023 में चुनाव है राजस्थान में, किसकी सरकार, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल? राजस्थान में कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। जिस तरह अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में काम किया है और श्रीमान दीपचंद खेरिया जी ने जो विधानसभा में काम किया है उसको देख करके कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और किशनगढ़ बाद में कांग्रेस को विधायक। आपको क्या लगता है कि जो हम किशनगढ़ विधानसभा में बैठे हैं तो किशनगढ़ विधानसभा में क्या रहेगा, किसकी, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई दल? कांग्रेस जीतने वाली किशनगढ़ विधानसभा में। इतने सालों से जितनी कांग्रेस था पांच जीत जाएगी, अब की बार काम किए उसके बाद मतलब जब से विधानसभा बनी है किशनगढ़ विधानसभा एक बार भी कांग्रेस नहीं जीती है, क्या इस बार जीत पाएगी? क्या इस बार जो विकास जिस तरह कांग्रेस के विधायक ने किए हैं उसके दम से लगता है कांग्रेस 100% जीतने वाली है। अच्छा, कामों की वजह से? हाँ, विकास के ऊपर जीतेगी। अच्छा, आपकी इकट्ठी रहेगी विकास के मुद्दे पे, मेयो कमेटी नहीं 36 बिरादरी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, कांग्रेस के विधायक भारी मतों से जीत कर यहाँ जाए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं कि किशनगढ़ विधानसभा में कि लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव है विधानसभा का और इस बार क्या रहेगा, क्योंकि किशनगढ़ विधानसभा का इतिहास है जब से किशनगढ़ विधानसभा बनी है एक बार भी कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है, इस बार क्या रहेगा ये आने वाला वक्त बताए, क्या लगता है आप बताओ क्या रहेगा? भाई हमने तो कांग्रेस की उम्मीद है। हाँ, कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने काम ये हमारे विधानसभा में कि हमें सारा काम बढ़िया करें। तो कांग्रेस तो लगातार हार रही है ना यहाँ से? हारेगी तो आप जीत जाए, कुछ सदम ठेकेदारी रहेगा। हाँ, मौका शरत रहा है तो अब की बार जीत जाएगी। हाँ, तो हो सके। तो आपके दीपचंद खेरे ने काम किया है क्या? ना, बढ़िया काम किया, जिलों बना दियो, खैरदर जिलों बने, सारी कॉलेज दिया, सारा काम अच्छा था दीपचंद। हम तो उनकी उम्मीद पर तो कांग्रेस को कोई भी प्रत्याशी जो खड़ा होगा उसके लिए वोट दीजिए, चाहे बीच जन की टिकट मिले ना मिले, कोई भी हो कांग्रेस कोई कोई बिरादरी। अच्छा, आप ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो रहा है जो कहा है, सत्य कहा है इन्होंने, जिसको टिकट मिलेगा कांग्रेस का उसको कोई भी जाते जात का कोई भी हो, चाहे वो दीपचंद जी को मिले तो, चाहे सिमरत को। इस बार रहेंगे, किसी बार नहीं रहते क्या आप लोग? लगातार तो कांग्रेस में हार रही है, शायद देखो हार जीत तो जनता का हाथ में होती है, एक वोट से हार जीत नहीं होती। लेकिन मेरो समाज बीजेपी को वोट देता है हर बार, वोट तो देवा है तो माना ही ना हमारा बटन नहीं तो देते तो है ना। हाँ, देवा लेकिन माना तो हमारा बटन नहीं है। देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी राय, अपने अपने लोगों के दावे हैं कि कौन कैंडिडेट जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी आएगी या अन्य कोई दल। लगातार जैसे तिजारा विधानसभा की बात करें वहां पे दोनों पार्टी हारी है और बसपा ने बाजी मारी है और यहाँ भी यही हालात हुआ है। अब आने वाले 2023 में चुनाव है, वो क्या रहेगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं लोगों से। आप बताओ, इस बार कांग्रेस जीतेगी, जो कांग्रेस ने विकास करा है वो बीजेपी ने विकास नहीं करा, कॉलेज आ गई, रोड बना दिया है, स्टूडियो बना दिया, जिला बना दिया, खेलतल जिला बना दिया है, बीजेपी के एकदम एकदम बहुत ही दुखद कट्टी कुछ हो रहे हैं। तो आप बताओ युवाओं क्या लगता है किस तरह से इस बार रहेगा, क्या करवट बैठेगा, क्या रहेगा?
अब की बार जो चुनाव का मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा सब विकास का मुद्दा। विकास की इतने जबरदस्त काम हुए, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोड का हो, पानी का हो, बिजली का हो, विधायक मोदी इतने काम किए, एक महीने अपने जीवन काल में इतने विकास कार्य कभी नहीं थे। ये सच्चाई है, विकास इतने हुए, विकास के दम पर ही कांग्रेस एमएलए जीते जाएंगे। आप कांग्रेस का बिल्कुल घूम रही है, सिमरतपुर विधान सिंह विधानसभा में घूम रही है। उसके ससुर पहले 3 बार यहाँ से चुनाव लड़के हार कर चले गए। अब की बार देखो टिकट मिलता है क्या होता है, उसके बारे में कुछ नहीं। नहीं वो क्या सीट मुझे निकल पाएगी, लोग लगेंगे उसका? देखो बाहरी का और लोकल का फर्क रहता है। पिछली बार डॉक्टर करम सिंह सांसद थे, बहुत बड़े नेता थे, किशनगढ़ विधानसभा से लड़े, वो 40,000 में ही रह गए, ऊपर नहीं पहुंच पाए। ऐसा लगता है कि बाहरी प्रत्याशी से पार नहीं पड़ पाए किशनगढ़ विधानसभा में। यानी कि लोकल आदमी बहुत जरूरी है। जो ये सबसे बड़ा डर ये रहता है, चुनाव हार जाते हैं, दोबारा दिखाई नहीं देते, जनता परेशान रहती है, अपने को ठगा महसूस करती है। इसीलिए जनता यही चाहती है किसी लोकल उम्मीदवार को यहाँ से जो उम्मीदवार बनाया जाए, ताकि जीत करके यहाँ विधानसभा में रहे और विकास कार्य करा सके। पदी चंद बेचारा ने खैर दर्जिलो बना दियो, हमारे कॉलेज ले आयो, रोड रोड का खूब काम करा, बिजली का बिल माफ करा दिया, बिजली का बिल माफ करा दिया। देता है हम बाप है कांग्रेस रहा, हम कांग्रेस रहा, हम बात बेचारा ना हारे जी तो भाई किस्मत। कांग्रेस सर, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम करा है यहाँ पर। हमारे जो MLA दीपचंद खेर आए, कॉलेज ले आए, हमारे रोड बड़े बनाए, रोड जिला खेर दल बन गया, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर। तो इस बार कांग्रेस यानी का किशनगढ़ विधानसभा में आएगा, कांग्रेस ही है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव है विधानसभा का, और आज हम किशनगढ़ विधानसभा के क्षेत्र गांव मैं दयालपुर में खड़े हैं। आप देख रहे हैं कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, लोगों का क्या राय है आपने सुनी। लगातार इस तरह की हम खबरें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर। पल पल की अपडेट देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।